ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेकर कई तरह की बातें आज की वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट इस समय पर देखने को मिल रहा है। कैसी प्रोफाइल्स पर वीज़ा आ रहे हैं ये भी डिस्कस करेंगे। किन स्टूडेंट्स को देरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जुलाई इनटेक की अगर हम बात करें, टाइम बीच में कम है, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आज की वीडियो में ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि आपको पहले तो ये पता चल सके कि वीज़ा क्या चल रहा है, किस तरह की प्रोफाइल्स पर ज्यादा वीजा आप देखे जा रहे हैं, और आपने किस ढंग से अप्लाई करना है ताकि बिल्कुल सही तरह से अप्लाई करें और अपना वीजा हासिल करें। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर, और डिटेल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेज वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, ज़रूर पहले तो ये बताइए कि अब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के हम देख रहे हैं कई स्टूडेंट्स की वीज़ा अप्रूवल आ चुकी है, अच्छी न्यूज़ हम इसे मान सकते हैं, आप प्रोफाइल वाइज भी ज़रूर स्टूडेंट्स को गाइड कीजिएगा, ये कैसी प्रोफाइल थी और कैसी ऑप्शंस के साथ ही आगे बढ़े, कैसे कोर्सेज में वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा देखा जा रहा है। हर जो बच्चों के प्रोफाइल ठीक हैं जी, जिनका कोई ज़्यादा गैप नहीं, हर बार मेरे ख्याल हर वीडियो में बता रहे हैं, उनके वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो पीछे वीज़ा रोके हुए थे वो अब आने शुरू हो गए हैं, और जो रिज़ल्ट है वो 60-70%, जो कि एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट माना जा सकता है। जब भी कोई कंट्री थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती है तो डर लगता है कि वीज़ा क्या रहेगा, तो अगर 60-70% तक वीज़ा सक्सेस रेट जा रहा है, मोर देन 50%, तो वो एक अच्छा सक्सेस रेट मानना चाहिए। और अभी मतलब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मूवमेंट शुरू हो गई है, और ये माना जा रहा है कि मई में तो बहुत अच्छे वीज़ा निकलेंगे। और ये जो है एक न्यूज़पेपर है जो ऑस्ट्रेलिया का, वहीं से ये न्यूज़ हमने कलेक्ट की है कि मई की आज ही हमारे पास वो न्यूज़ आई है कि मई का वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा होने वाला है। और उसके बाद मई में तो ये जो अभी फाइलें रुकी हुई हैं उनके आ रहे हैं, राइट, अभी अप्रैल ख़त्म होने वाला है, लेकिन जुलाई के बाद वीज़ा जो है, क्योंकि एक इनटेक ख़राब हो चुका है बच्चों का मैक्सिमम, तो अब जो उम्मीद है कि आने वाला टाइम जो इन्होंने कोटा है या जो भी है, काफ़ी अच्छा वीज़ा देंगे, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स अब बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल बेझिझक होके फाइल लगाओ अपनी, बिना डर के फाइल लगाओ। 6 बैंड आइल्स के, नॉट लेस देन 5.5 बैंड या 6 बैंड ईच, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे जी। हाँ, वेट में वीज़ा कम आता है डिप्लोमा कोर्सेज में, तो कोशिश करें आप कि डिग्री कोर्सेज में ही लगाएं। और परसेंटेज जैसे अगर आपके स्टेट बोर्ड के हैं तो कॉलेजेस भी ले रहे हैं, क्योंकि जब वीज़ा आना है बैचलर या मास्टर्स में आना, तो कॉलेजेस भी आपको ले सकते हैं जी। और अगर आपके, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, जीटी में बहुत तंग करते हैं, तो आप कॉलेजेस की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी परसेंटेज स्टेट बोर्ड का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईएलटीएस 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5, लेकिन आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है, परसेंटेज अच्छी है, सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल्स रेडी हैं, इनकम 12 लाख से ऊपर ले रही हैं सारी यूनिवर्सिटियाँ, आज भी हमारी उनसे डिटेल में बात हुई है जी। और अगर बिजनेसमैन है तो फिर वो जीएसटी के फॉर्म ज़रूर मांगते हैं कि आपका जीएसटी अप्लाई हो और आपके बिजनेस के सारे प्रूफ हों। सर्विस वालों से तो खाली फॉर्म 16 चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स लास्ट 2 ईयर्स के आप दे सकते हैं, लेकिन एक साथ ना भरें, ये चीज़ का आप ध्यान रखें, तो वीज़ा आने की बहुत संभावना है, क्योंकि आप देखिए 60-70% इस टाइम रिजल्ट जा रहे हैं, जो कि हम इस टाइम अच्छा मान सकते हैं हालात को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और स्टूडेंट्स ज़रूर अप्लाई करें तो अच्छे कंसल्टेंट की सलाह से, अच्छे कंसल्टेंट की गाइडेंस से ही करें, जैसे कि मैम ने बताया डिग्री कोर्स का एक अच्छी ऑप्शन रहती है अच्छे सक्सेस रेट के लिए। और स्टूडेंट्स इन्हीं कई बार ऐसे लगता है ये छोटी छोटी बातें, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपका वीज़ा अप्रूवल के लिए बहुत ही खास रहती हैं। और इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है नेविगेटर्स ओवरसीज़ का, इस पर कॉल कीजिए, ताकि आप अगर जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सही ढंग से और सही ऑप्शंस के साथ ही आगे बढ़ें, और
और आप ज़रूर अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा टाइमली हासिल कर सकें। बहुत बहुत थैंक्स मैम, ये डिटेल में आपने स्टूडेंट्स को अच्छा गाइड किया। और जैसे कि मैम ने बताया कि जो रुके हुए फाइल्स थी उन पर अभी वीज़ा नहीं आए थे, अब वीज़ा अच्छी रेशो में लगने शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी पॉजिटिव गुड न्यूज़ हम इसे मान सकते हैं। और कोई सलाह चाहिए हो तो आप नेविगेटर्स ओवरसीज़ के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर लेकर आइएगा ताकि असेसमेंट की जाए, सही ऑप्शन आपको गाइड की जा सके। बहुत बहुत थैंक्स मैम ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।